तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, और इस वीडियो के अंदर में क्या खास बात है आइए बताते हैं आप सभी को। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं दुर्गा पूजा पार्क। यह पार्क का नाम दुर्गा पूजा पार्क इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के समय में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, और ये वही पार्क है जहाँ पे लास्ट टाइम चंद्रयान 3 के थीम पर पंडाल लगाया गया था। बाकी यहाँ पे झूले वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, और एक प्रॉपर जॉगिंग ट्रैक मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बचपन में हम लोग क्रिकेट्स वगैरह भी खेला करते थे। बाकी दोस्तों, इसके बाद में हम आ गए अपने ट्रांसपोर्ट नगर एरिया के अंदर में, रामकथा पार्क के अंदर में। यह पार्क पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छी तरीके से इसे डेवलप किया गया है। बाकी यहाँ पे आपको जॉगिंग ट्रैक, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं जिसकी छाँव में लोग बैठते हैं। बाकी इस पार्क का नाम रामकथा पार्क इस वजह से पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष रामकथा एवं दुर्गा पूजा पंडाल भी लगता है। साथ ही में यहाँ पे आपको झूले वगैरह भी मिल जाते हैं जहाँ पे बच्चे आकर के आनंद उठाते हैं इन झूलों का, और साथ ही में एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते हैं लोग यहाँ पे आकर के। बाकी सुविधा के विषय में बात करी जाए तो बिजली को बचाने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल भी लगाया गया है, और साथ ही में आपको यहाँ पे शौचालय वगैरह भी मिल जाते हैं। बाकी इनमें से कौन सा पार्क आपके घर के नज़दीक है कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हो, और आप लोग इनमें से किन किन पार्क में रेगुलर जाया करते हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।